वो है हाउस हंटिंग इन यूके। तो आज हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग ऑफ पहाड़ी इन लंडन आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज का जो ऐसा मेरा ब्लॉग है वो है हाउस हंटिंग इन यूके तो आज मैं जा रही हूँ यूके के कुछ अपार्टमेंट्स चेकआउट करने के लिए फॉर द रेंटिंग पर्पज एंड मैं आपको दिखाऊंगी किस किस तरह के यहाँ पे घर होते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है उनमें तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगी एंड तक देखिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ मेरा सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं निकल चुकी हूँ लंदन के एरियाज़ को हंट करने के लिए फॉर रेंटिंग पर्पस तो साथ में मैंने ले लिए हैं स्वीट एंड सॉल्टी पॉपकॉर्न जो कि मेरे फेवरेट हैं एंड दिस सॉल्टेड कैरामल चॉकलेट जो कि मुझे बहुत एनर्जी देते हैं अगर मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं भी किया है तब भी सो दिस टू आर माई फेवरेट वाइल एम ट्रैवलिंग लेट मी नो कि आपके क्या फेवरेट हैं वाइल ट्रैवलिंग तो ये हम घर के कॉरिडोर पे पहुँच चुके हैं फ्लैट के कॉरिडोर पे तो ये इसका एंट्रेंस एरिया है एंड ये है डोर अगर मैं इस डोर को बंद कर दूं तो लेफ्ट साइड पे हमें एक रूम दिखेगा बेडरूम जो कि एक बड़ा बेडरूम है और ये बीच में जो है एक छोटी सी गैलरी है और मेरे राइट right साइड पे जो है जैसे गेट पे एंटर करोगे वॉशरूम है तो ये वॉशरूम में हम एंटर करते हैं तो यहाँ की जो वॉशरूम है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं यूके के इन में जो है मोस्टली आपको बाथ टब देखने को मिलेगा बड़े वॉशरूम्स में अदरवाइज स्टैंडिंग वॉशरूम्स भी होते हैं बट मोस्टली आपको बाथ टब वाले वॉशरूम मिलेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट सिस्टम दिखेगा एंड शॉवर सिस्टम तो आप यहाँ से जो है एक आपको नॉब दिखेगा जिसमें कि आप पानी को ठंडा या गर्म करके यूज़ कर सकते हैं एंड ये है हमारा बाथ टब तो ये सामने थोड़ी सी जगह भी है जहाँ की हम सामान वगैरह रख सकते हैं वॉशरूम का और ये हमारा टब एरिया है तो ये इस तरह के वॉशरूम बेसिक स्ट्रक्चर के हमेशा हर घरों में आपको देखने को मिलेंगे यूके के आगे बढ़ते हैं जब मैं वॉशरूम से निकली तो ये राइट right साइड पे इसी के जस्ट सामने मेरे पास एक स्टोरेज बोर्ड स्टोरेज एरिया है जहाँ की मैं अपना सामान वग़ैरह रख सकती हूँ और जो इसी के पीछे जो है एक सेंट्रलाइज जो है हमारा बॉयलर वो है लगा हुआ है जो कि घर को भी गर्म करता है और पानी को भी गर्म करता है घर के जहाँ भी गर्म पानी आ रहा है उसको हीटिंग करने में मदद करता है तो ये है बेडरूम और बेडरूम में ऊपर जो है कबर्स लगे हुए हैं तो ये जो घर में आपको गाइज दिखा रही हूँ एकदम बेसिक घर है यू नो काफ़ी सारे यू you नो know, लाविश और यू you नो know, काफ़ी फर्निश्ड घर भी होते हैं बट दिस इज़ यू नो अ बेसिक रेंटल यू नो अपार्टमेंट जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि लोग रेंट करते हैं यहाँ लंडन एरियाज़ में um, नीयर बाई एरियाज़ में तो कबर्ड हमें मिली हुई है कई अपार्टमेंट फर्निश्ड होते हैं कई अपार्टमेंट नॉन फर्निश्ड भी होते हैं तो डिपेंडिंग ऑन फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड इसके प्राइसेस होते हैं तो ये वाला जो है अभी जो हम देख रहे हैं वो सेमी फर्निश्ड है तो सामने अगर हम देखें तो हमारे पास ये लाइट्स हैं एक छोटी सी विंडो भी है तो ये स्मॉल बेडरूम है इसको हम एज अ स्टडी में भी कर सकते हैं और एक स्मॉल बेडरूम सिंगल बेडरूम की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं तो यूके के घरों की मैं अगर खास बात बताऊँ तो यहाँ पर यूजली um, एक स्पेसिफिक सेट में जो है घर बनता है कि आपको बेडरूम के साथ साथ एक हॉल तो मिलेगा ही मिलेगा तो ये हमारा हॉल एरिया है तो इस हॉल में अगर आप देखें तो प्लांट्स भी लगा रखे हैं यहाँ पे सोफ़ा भी रखा हुआ है एंड सामने टीवी वगैरह है एंड शोकेस वग़ैरह है तो ये बहुत बढ़िया अच्छा सा हॉल एरिया है जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद आया कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा तो मैं आगे अगर बढ़ूँ तो देखते हैं बाहर के नज़ारे की किस तरह की बालकनी है यहाँ पर तो कर्टिन को जब मैंने खोला तो कुछ इस तरीके का नज़ारा मुझे दिखाई दिया तो ये है हमारी नीचे से प्लाई वुड की बिछी हुई है और छोटी सी हमारी बालकनी है और सामने भी कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो कि सिमिलर टाइप के अपार्टमेंट हैं जैसे कि इस वाले अपार्टमेंट की तरह जो अभी हम देख रहे हैं और ये सामने जो है डस्टबिन भी रखा हुआ है बालकनी में और एक सेंट्रलाइज्ड हमारा यू you नो know, पूरे फ्लैट्स का एक एरिया है जहाँ की हम डस्टबिन वगैरह हमारा जो है बिन एरिया है जहाँ हम अपना कचरा रोज का डाल सकते हैं तो यहाँ पर एक किचन में मैं एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है एंड uh, इसी के बगल में जो है हमारी फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है ओवन है एंड ये हमारा फर्निश्ड uh, किचन जो है वो हमें प्रोवाइड किया है लॉन्ग विद लॉन्ग विद एक्सॉस्ट और यहाँ पे बढ़िया अच्छी सी यू uh, नो you know, लाइटिंग हो रखी है काफ़ी क्योंकि इतनी सारी विंडोज़ हैं तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया कि इतना हॉल में और इतनी यू नो किचन में जो है लाइट हो रखी है एकदम बंद बंद क्लोज स्पेस में नहीं है एंड uh, ये ऊपर सिमिलर टाइप का एक लैंप लगा हुआ है और सामने जो है हमारे छोटा माइक्रोवेव भी रखा हुआ है एंड डस्टबिन भी है तो ये है हमारे टू बी के अपार्टमेंट का टूर बात करूं प्राइसिंग की तो इन घरों के जो प्राइसेस हैं वो रेंज करते हैं अगर आप लंदन एरियाज़ में देख रहे हैं फ्रॉम ट्वेल्व हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड और सेवनटीन हंड्रेड अगर आप एक टू बी के अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं और जिस तरह से आप लंदन के पास और जाते रहेंगे उस हिसाब से रेंट और बढ़ता जाएगा क्योंकि लंडन में लंडन जो है वो जोन वाइज डिवाइडेड है एंड डिपेंडिंग ऑन विच जोन यू आर लिविंग इन उस हिसाब से रूम्स के प्राइस होते हैं तो ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया है दिस इज आउटसाइड लंडन सो इट वर्स कॉस्टिंग मी अराउंड ट्वेल्व टिल सेवनटीन हंड्रेड तो इस तरीके का आप हाउस uh, वगैरह अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस रेंज में आपको मिल जाएगा इज़िली। तो यूके के घरों की मैं अगर आपको खास बात बताऊं तो वो ये है कि यहाँ के घर जो है वो हट शेप में बने होते हैं ताकि जो बर्फ का पानी है या जो बारिश का पानी है वो ईजिली जो है स्लैंट हो जाए नीचे और वह जमा ना हो ऊपर क्योंकि यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वेदर uh, जो है ठंडा ही रहता है स्नो रहती है या बारिश रहती है उसके अलावा और चीज़ें ये है कि यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है और वो जो है बॉयलर के द्वारा होता है तो बॉयलर से पानी भी गर्म होता है और उससे जो है घर की यू नो हीटिंग भी वहीं से जनरेट होती है तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ के जो घर होते हैं वो वुड के बने होते हैं तो अंदर से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वुड और प्लाईबोर्ड्स का बना होता है और बाहर से जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ब्रिक्स का इसके अलावा जो घर की जो दीवारें होती हैं और जो वुड है उसके बीच में एक इंसुलेशन होता है जो कि ठंड को पेनिट्रेट होने से रोकता है इन साइड द हाउस तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बेसिक जो है स्ट्रक्चर की होती हैं यूके के घरों की इसके अलावा ऊपर जो है टॉप पे जो है हमारे लॉफ्ट एक जगह होती है जो कि हट जो शेप आपका बना होता है ना उसके ऊपर एक जगह जो बस्ती है उसको हम लॉफ्ट बोलते हैं तो कई लोग जो है उसे रूम में भी कन्वर्ट कराते हैं और कई लोग ऐसे ही रहने देते हैं तो कुछ ही बेसिक जो है डिस्क्रिप्शन है गाइज़ यूके के घरों के एंड आई होप आपको आज का ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे रिकमेंडेशन देती रहिए कि मैं आगे क्या क्या वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूं तो चलिए फिर इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए सी यू गाइज टेक केयर बाय बाय जाते जाते गाइज मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि ये है कि आ, मैंने जो है अमेज़ान से अभी एक नई चीज़ ऑर्डर करी है आ, जिसे कि मैंने एज़ अ स्टिकर के तौर पर जो है अपर वॉल पे लगाई हुई है तो आप देख सकते हैं मून स्टार्स जो हैं ये मेरे वॉल के ऊपर लगे हुए हैं ऊपर वाली वॉल पे सीलिंग वॉल पे लगे हुए हैं एंड रात को ये बहुत ही अच्छी फील देते हैं व्हेन यू व्हेन यू वांट टू यू नो वॉच अ मूवी इन इन द डार्क एंड एक अलग सा इफेक्ट देते हैं एक पीस देते हैं तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये तो आप भी अगर आप एक आपका जो घर है उसमें कुछ ब्यूटी एडिशन करना चाहते हैं एस्थेटिक एडिशन तो ये आप कर सकते हैं तो यहाँ जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी तो इस तरीके का कुछ ये स्टिकर्स हैं जब लाइट ऑन करेंगे और जब आप बंद करेंगे वो तो आपने देख ही लिया है इतना मेस्मराइजिंग व्यू था तो ये मेरा फेवरेट फेवरेट यू नो बाय है अभी तक का अमेजोन का एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ टेक केयर बाय